भिवंडी में कांग्रेस की तरफ से सदस्य अभियान व जन जागरण अभियान चलाया गया। भिवंडी के शास्त्री नगर केजीएन चौक पर कल एक सभा का आयोजन किया गया और सदस्य अभियान वह जन जागरण अभियान चलाया गया। इस सभा में कांग्रेस की विचारधारा बात रखी गई और नागरिकों को कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। बताते हैं कि शास्त्री नगर के केजीएन चौक के क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ भारी तादाद में मुस्लिम बहुसंख्यक रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व माजी नगर सेवकों ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के अच्छे दिन के नाम पर भाजपा ने पूरे देश को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। देश के हालात बद से बदतर हो गए। देश में दिन ब दिन महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार देश में आई है वह देश की संपत्ति को निजीकरण के नाम पर बेचना चाहती है। कांग्रेस ने 60 सालों से देश को विकास की तरफ बढ़ाया है। देश में टेक्नोलॉजी और नए नए प्रकल्प लाकर देश को विकसित किया है। इसलिए देश की उन्नति और विकास के लिए काम करना है तो जनता को फिर एक बार कांग्रेस को चुनना होगा। शास्त्री नगर के इस सभा के अध्यक्ष भिवंडी कांग्रेस कमेटी के रशीद ताहिर मोमिन ने अपनी बात बेबाकी से रखी। मंच पर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुरेश अटावरे, वरिष्ठ नेता प्रकाश मुथा, पप्पू यादव, अर्शे आजमी, सोहेल खान, सलाम शेख, रेहान अंसारी, शोएब अंसारी, दीपक धनिचा, सीता धनिचा, नदीप, मनोज सिंह, अनंता पाटिल, गौतम सदानी, अहमद सिद्दीकी, अशफाक हाशमी, जावेद शेख, जाकिर मिर्जा, शकील पापा, नासिर सैयद, मोहम्मद भाई, महबूब शेख अजर मजर मंच पर रहे। इस सभा का आयोजन समीर सैयद और परवेज शेख द्वारा किया गया। दोस्तों और साथियों, मैं बहुत छोटे टाइम में, समय कम है, आपको बताऊंगा ये सदस्यता और जन जागरण अभियान की शुरुआत हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिर साहब ने यहाँ पर क्यों की है, ये वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे मूसा जी से बोलना चाहूंगा और आप सब लोगों से भी बोलना चाहूंगा, ये बात सच थी। भिवंडी शहर में इससे पहले जो अध्यक्ष थे शोएब भुट्टू और भिवंडी कांग्रेस के जो लोग चला रहे थे, उन लोगों ने कांग्रेस की हालत ऐसी बदतर कर दी थी कि कांग्रेस पार्टी का नाम लो तो यहाँ पे गाली मिलती थी हम लोगों को। और रशीद ताहिर साहब की काबिलियत पर, उनके ऊपर एतमाद करके पार्टी हाईकमान ने उनको सदर बनाया। उनको सदर बनाने के बाद से हम लोग भिवंडी शहर के गली गली जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत सी बातें सुननी मिली, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने 47 नगर सेवक कांग्रेस पार्टी को चुन के दिया था और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बंदर बाट हुई है। पार्टी को बेचा गया, पार्टी को बर्बाद और तबाह किया गया, उसके बाद ये पार्टी को छोड़ के भाग भी गए। मगर अल्लाह का शुक्र है, भिवंडी शहर का ये शुक्र है, भिवंडी शहर के आवाम की ये ताकत है कि हमारे पास रशीद ताहिर मोमिन जैसा एक हीरा था जिसको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी। हम लोग एक साल हो गया रशीद भाई को अध्यक्ष बने हुए, हम लोग कई गए शहर के गली गली में गए, लोगों ने बोला 47 सीट दिए, आप लोगों ने पब्लिक का विश्वास तोड़ दिया, आप लोगों ने ये तोड़ दिया, हमें बहुत बातें सुननी पड़ी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग उस मकाम पे आ गए हैं कि हम लोगों ने शहर को फिर से कवर कर लिया है।